चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में। मैं कमल विष्ट, इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आर्मी जीडी का सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे अलग अलग टॉपिकों से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं और आगामी परीक्षाओं में उनको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है संख्या पद्धति से रिलेटेड, यहाँ पे नंबर सिस्टम से लिया गया है। 7 की घात 105 का इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पर आपको दिया है 7 की पावर 105 और हमें बताना है इसका टेंस नंबर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए, जब भी आपको इकाई अंक निकालने को आता है, सबसे पहले आप केवल यहाँ से एक नंबर चूज करेंगे। यहाँ पर तो हमें एक ही नंबर दिया है, यदि यहाँ पर 3 अंक भी दिए होंगे तो भी आप लास्ट वाला इकाई अंक चूज करेंगे। यहाँ पर आपने चूज कर दिया और पावर जो भी थी आपने उसको लिख दिया, ये आपका पहला काम होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक जो भी यहाँ पर पावर होगी उसे आप यहाँ पे सम कर देंगे। ये आपने कर दी, देखिए 102 × 7 की घात 1, 7 की घात 102 और 7 की घात 1 = 7 की घात, यहाँ पर 4 आएगा तभी हमारे 105 होगा। तो इस तरह से आपको बांटना है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो 7 की घात 4 है उसमें इकाई का अंक जो है, इकाई अंक इसमें हमेशा 1 होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और इसी का यूज़ करना है आपको जब आपको 7 वाला क्वेश्चन दिया जाए। 7 की घात 4 का इकाई अंक 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको 7 की घात 104 को आप क्या कर देंगे, 7 की घात 4 में बांट देंगे। देखिए कितनी बार बटेगा, 104 / 4 करेंगे तो आप 7 × 8 = 24 अर्थात 26 बार जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 104 की जगह पे 7 की घात 4 अंदर कर दीजिए और 26 ऊपर कर दीजिए और × 7 की घात 1 यहाँ पे है, या आप इसे 7 ही लिख देने की बात है। देखिए, अब 7 की घात 4 की घात 26 का क्या मतलब हुआ, जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो हम क्या करते हैं, घातों का गुणा करते हैं, अर्थात ये हमारा क्या है, 104 के बराबर ही है। 26 × 4 करेंगे तो 104 ही मिल जाएगा, अर्थात ये हमारा 7 की घात 4 की घात 26 जो है 7 की घात 104 के बराबर ही है। इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, केवल फॉर्म हमारी चेंज हो गई और हमें पता लग जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, इसका इकाई अंक 1 हो गया और 1 की घात हम 26 करेंगे तब भी हमें इकाई अंक 1 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गया इकाई अंक और गुणा यहाँ पर 7 आ गया, ये हमारा इकाई के अंक हो जाएगा और 1 × 7 अर्थात यहाँ पर 7 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 7 आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इकाई वाले अंक को निकालना है, ये भी काफ़ी बार पूछा आता है एक आध क्वेश्चन इससे, तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमारा एक ये श्रेणी वाला क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी है, सीक्वेंस दी है और हमें यहाँ पर अज्ञात पद को निकालना है अर्थात अननोन टर्म को निकालना है। तो देखिए, अननोन टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम ढूंढते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अज्ञात पद को निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर नंबर दिए हैं 22, 23, 27, 36 और 52 और हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो हम एक निश्चित क्रम ढूंढते हैं पहले, क्या यहाँ पे ये कौन सी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अज्ञात पद को निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 22 है, फिर 23 है, 27 है, 36 है, 52 है। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 1 जुड़ता है और जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारा कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है देखिए, और जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है, और जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तब हमारा कितना ऐड हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है देखिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, ये हमारे क्या है, 1 हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, 4 हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, 16 हमारा 4 का स्क्वायर हो गया, अर्थात यहाँ पर हमारे जो नंबर हैं, क्रमांगत नंबर हैं, उनके वर्ग हमारे
जोड़े जा रहे हैं, अर्थात उनके जो स्क्वायर हैं उनको ऐड कर रहे हैं हम, तभी हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है यहाँ पे। तो अब बारी किसकी है, 4 के बाद 5 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 25 जब हम इसमें ऐड कर देंगे, 5 का स्क्वायर था 25 प्लस 52 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर अननोन यहाँ पर टर्म मिल जाएगा और वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 77। तो यहाँ पर 77 हमारा अज्ञात पद आ गया, 77 अननोन टर्म आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अज्ञात पद को निकालने के लिए एक निश्चित क्रम ढूंढने की आवश्यकता होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अज्ञात पद को निकालते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो देखिए दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर व 56 लीटर है, तो बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी तरह से माप ले। तो हमें क्या बताना है, बड़े से बड़ा डिब्बा अर्थात बड़े से बड़ा कोई बर्तन बताना है जो दोनों के द्रव को यहाँ पे जो प्रत्येक अर्थात दोनों के टंकी के द्रव को पूरी तरह से माप ले। देखिए बड़े से बड़े की जब बात होती है तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहां पर हमारा एस सी एफ निकालना होता है हमें, जहां भी आपको दिखेगा बड़े से बड़ा तो वहां पर आपको याद रखना है कि आपको क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है, क्योंकि बड़े से बड़ा डिब्बा आपको जो दोनों को मापे उसके लिए आपको एस सी एफ ही निकालना पड़ेगा इन दोनों का। अब इन दोनों का एस सी एफ निकालने से पहले आपको क्या देखना है, देखिए आपको जो द्रव का वहां पर टंकी का आयतन बताना है, जो नया डिब्बा है उसका आयतन बताना है, वो आपको यहाँ पे घन सेंटीमीटर में दिया है, बल्कि यहाँ पर आपको जो यहाँ आयतन दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा लीटर में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो इनकी धारिताएं हो जाएंगी, जो ये डिब्बा है डिब्बे का जो यहाँ पर माप होगी आयतन होगा, तो डिब्बे का यहाँ पर डिब्बे की माप इन इन दोनों का क्या होगा, एस सी एफ होगा 120। यहाँ पर आप इसको चेंज कर देंगे, यूनिट आपने चेंज कर दी, 120,000 हो गया और ये 56,000 हो गया। तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एच सी एफ निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एच सी एफ निकाल देंगे तो इजीली निकल जाएगा। अब देखिए एच सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भाग विधि से निकालते हैं इसको, यदि हम भाग विधि से निकालें तो क्या होगा, बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे और बाहर से छोटा वाला नंबर अर्थात 56, यहाँ पे 56,000। अब देखिए जब हम भाग देंगे तो दो बार जाएगा, पहली बार में और हमारे यहाँ आएगा 112 और पीछे 000 और घटा के हमारा यहाँ पर आता है 8000 अर्थात 8,000। और इसके बाद फिर से हम भाग देंगे काय में, जो हमारे यहाँ पर नंबर है उसमें भाग देते हैं, ये हमारा 56,000 हो गया और 8×56, तो यहाँ पर पूरी बार चला गया तो यहाँ पर 56 आ गया, 56,000। और हमारा शेष क्या बचा, शेष हमारे यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात ये हमारा क्या होगा, एच सी एफ हो जाएगा। देखिए भाग विधि से एच सी एफ निकालना आना चाहिए, इस तरह से निकालते हैं, हम बड़े वाले नंबर को अंदर लिखते हैं, छोटे वाले से भाग देते हैं और जितना भी यहाँ पर घटा के आएगा शेष आएगा, उस शेष से फिर हम दोबारा भाग देते हैं और फिर यहाँ पर जितना शेष आएगा फिर उसे दोबारा देते हैं, जब तक हमें 0 नहीं मिलता है, और 0 जिस नंबर के भाग देने के कारण आता है वही हमारा क्या होता है, एच सी एफ होता है। तो यहाँ पर एच सी एफ कितना हो गया, 8,000। तो इसलिए उस जो टंकी है उसकी जो धारिता होगी कितनी हो जाएगी, 8,000 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपकी यूनिटें जो हैं, जो मात्रक है उनके वो समान होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर समान नहीं था तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1,000 से गुणा करके इनको पहले लीटर को चेंज कर दिया वहाँ पर घन सेंटीमीटर में, उसके बाद ही हमने यहाँ पर उनका एच सी एफ निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए, 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। तो हमें यहाँ पे कुछ भिन्न दिए हैं जिनको हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ये भी हमारा काफ़ी बार पूछा जाता है, देखिए इसको गौर से देखेंगे। इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइप की मेथड होती हैं। पहला हमारा होता है इसको दशमलव में कन्वर्ट करके हम इजीली निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर वही करेंगे, इनको दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। 2/7 को पहले दशमलव में कन्वर्ट करके कितना आएगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है 0.285। अब वैसे आप 3/8 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे आपको क्या मिलता है। यहाँ पे ये मिल रहा है हमारा 0.375। उसके बाद 5/11 को आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 0.454। और वैसे आप लास्ट वाला नंबर 9/16 को जब दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है 0.562। अब आपने सभी को यहाँ पे दशमलव में कन्वर्ट कर दिया, अब आप इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा वाला हमारा यहाँ पे 0.756, यहाँ पे 562, 562 ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद हमारा दिख रहा है 0.454, उसके बाद हमें दिख रहा है 0.375 और लास्ट वाला हमारा दिख रहा है 0.285। अब जो हमें आंसर दिया है उसे मिलाने के लिए आप क्या कर देंगे, इसकी जगह पे इसका जो प्रॉपर फॉर्म है उसको रख दीजिए, 9/16 हो गया, और इसकी जगह पर आप रख दीजिए 5/11, और इसकी जगह पर 3/8, और लास्ट वाला हमारा 2/7। तो ये हमारा जो ये भिन्न दिए इनका अवरोही क्रम हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और हमें पहला वाला दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जहाँ पे अवरोही क्रम में लिखा है सही यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, दशमलव में कन्वर्ट करके आप इजीली बता सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन है, यदि 8×(x+1)= 64 तो 3×(2x+1) क्या होगा। यहाँ पे 8×(x+1) दिया है इक्वल टू यहाँ पे 64। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, x का मान पता होना चाहिए, हम इजीली बता देंगे। तो पहले हमें x का मान निकालना होगा इस इक्वेशन से जो पहली वाली दी है, 8×(x+1)=64। देखिए इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बेस बेस समान होना चाहिए, बेस हमारा जो होता है नीचे उसको समान करना होता है यहाँ पर जो है, तभी हम घातों को कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमारे बेस समान नहीं है देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 64×1 है, लेकिन बेस समान नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इनको इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8×(x+1)=64 को हम यहाँ पे 8 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बेस को, तो बेस हमारी 8 हो जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 8×64 होता है तो पावर 2 हो जाएगी। अब भी रिजल्ट वही है लेकिन फॉर्म चेंज हो गया। अब आप बेस को देख रहे हैं हमारी सेम हो गई, तो पावर भी हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो हमारा यहाँ पर x+1=2 हो जाएगा और x=1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पर मान जो आप निकाल लेंगे, देखिए आपको निकालना है यहाँ पर 3×2x+1=3 2×1+1 अर्थात 3×3=27 यहाँ पर आ जाएगा, 27 निकाल दिया यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी हमारा दिखाई दे रहा है क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अज्ञात पद को निकालने के लिए एक इक्वेशन दी होगी और उसी इक्वेशन का यूज़ करके आप पहले एक्स का मान निकालेंगे, और एक्स का मान निकाल के जो भी आपसे पूछा गया हो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और जिनकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में कर सकते हैं और एग्जाम आने पर क्लियरली आराम से कर सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको इन द नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके थैंक्स।